Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज हम इलेक्ट्रॉनिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, रिएक्टिफायर्स। तो रिएक्टिफायर्स क्या होते हैं? द रिएक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। ठीक है, मींस हमारे घरों में जो भी मोबाइल के चार्जर्स वगैरह लगे हैं या कुछ भी है वहाँ पे, तो ये जो मोबाइल का चार्जर है ये एसी इनपुट लेता है, तो ये एसी टू डीसी आउटपुट कन्वर्ट करता है। यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है 5 वोल्ट्स और 0.7 एम्पियर इसकी करंट रेटिंग है। मींस दिस इज आर रिएक्टिफायर विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। हमारे घरों में जितने भी मोबाइल चार्जर्स हैं या सेल चार्जिंग की डिवाइसेज हैं वो एसी इनपुट को डीसी आउटपुट में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये पढ़ना है कि रिएक्टिफायर में हमने पीएन जंक्शन यूज करना है, मींस डायोड यूज करना है। तो डायोड कैसे यूज करना है उसका हम सर्किट सिंबल बनाएंगे, सर्किट बनाएंगे। वहां पे हमने एसी इनपुट लेनी है, डीसी आउटपुट करनी है। तो यहाँ पे जो रिएक्टिफायर्स हैं, रिएक्टिफायर्स आर ऑफ टू टाइप्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्टिफायर्स। फर्स्ट इज द हाफ वेव, मींस अगर डीसी कन्वर्ट करेगा तो एसी हमारे पास ये वाली होगी। मींस जो एसी होती है वो साइन वेव होती है, जिसका फर्स्ट साइकिल पॉजिटिव होता है और सेकंड साइकिल क्या होता है, नेगेटिव। सो द हाफ वेव कन्वर्ट्स ओनली हाफ ऑफ द वेव आउटपुट एंड द सेकंड इज फुल वेव। जो फुल वेव है वो नेक्स्ट टॉपिक है। द फुल वेव कन्वर्ट्स द होल साइकिल, होल मींस फर्स्ट साइकिल, फर्स्ट पॉजिटिव वेव एंड द सेकंड नेगेटिव वेव। ओके, तो सबसे पहले मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा। सो स्टूडेंट्स, दिस इज अ डायग्राम ऑफ हाफ वेव रिएक्टिफायर। तो यहाँ पे दिस इज द इनपुट एसी, दिस इज द ट्रांसफार्मर, दिस इज द प्राइमरी कॉयल फर्स्ट कॉयल, दिस इज द सेकेंडरी कॉयल सेकेंड कॉयल। तो यहाँ पे इंडक्शन की वजह से प्राइमरी कॉयल से जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सेकेंडरी की तरफ जाएगा तो इंडक्शन होगी। तो उसके साथ यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर है, यहाँ पे हमने वाइंडिंग ज्यादा दिखानी है, यहाँ पे कम दिखानी है। मीन्स दिस इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में हम वोल्टेज को कम करते हैं, ठीक है। स्टेप अप में वोल्टेज को ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायोड D1 है अटैच किया हुआ, ये RL है, इसको लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं। और दिस इज DC आउटपुट, यहां से हमें आउटपुट मिलेगी। ओके, तो इसकी वर्किंग समझने से पहले हमने ये करना है कि द वर्किंग इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन, दिस इज अ PN जंक्शन, द रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन बिकम्स लो व्हेन फॉरवर्ड बायस एंड हाई व्हेन रिवर्स बायस। हमने पढ़ा था कि व्हेन एवर द PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस द रेजिस्टेंस इज लो, करंट इज अलाउड टू फ्लो, एंड व्हेन इट इज रिवर्स बायस द रेजिस्टेंस इज हाई एंड करंट इज नॉट अलाउड टू फ्लो। मीन्स PN जंक्शन वर्क्स ओनली इन फॉरवर्ड बायस, PN जंक्शन फॉरवर्ड बायस में काम करेगा। ओके, तो ड्यूरिंग ऑपरेशन, तो ऑपरेशन में हमने टू साइकिल्स पढ़ने हैं। देयर आर टू साइकिल्स इन द ऑपरेशन, क्योंकि जो हमारी एसी इनपुट है उसके दो साइकिल्स हैं। दिस इज द फर्स्ट हाफ साइकिल एंड दिस इज द सेकंड हाफ साइकिल। ओके, सो वी आर हैविंग टू साइकिल्स इन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव रिएक्टिफायर। सो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट वेव है, द फर्स्ट वेव इज पॉजिटिव। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो यहां पे ये एंड पॉजिटिव हो जाएगा, ये एंड नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स ड्यू टू इंडक्शन द अपर एंड बिकम्स पॉजिटिव एंड द लोअर एंड बिकम्स नेगेटिव। मीन्स अब यहां पे पी के साथ पॉजिटिव एंड आ गया है, पी इज अटैच टू द पॉजिटिव पोलैरिटी एंड अगेन एन इज अटैच टू द नेगेटिव पोलैरिटी। मीन्स हियर द पी एन जंक्शन बिकम्स फॉरवर्ड बायस। ओके, व्हेन द पीएन जंक्शन बिकम्स फॉरवर्ड बायस तो क्या होएगा, द करंट फ्लोज। ओके, तो मींस अगर मैं इसकी वेव आउटपुट ड्रा करूंगा इस अपने हाफ वेव की, यहां पे मैंने वेव फॉर्म ड्रॉ की है एज अ ग्राफिकली। मींस जो फर्स्ट है दैट इज द एसी इनपुट एंड सेकंड इज द डीसी आउटपुट। मींस जब पॉजिटिव हाफ साइकिल सर्किट में आएगा, मींस फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल करंट फ्लोज, मींस हमें आउटपुट मिलेगी। तो मैं यहां पे पॉजिटिव के लिए आउटपुट यहां पे पॉजिटिव ड्रॉ कर दूंगा। ओके,
नाउ फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा कि दिस अपर एंड बिकम्स नेगेटिव एंड द लोअर एंड बिकम्स पॉजिटिव, मींस पोलैरिटी चेंज हो जाएगी. व्हेन द पोलैरिटी चेंजेस द पीएन जंक्शन बिकम्स रिवर्स बायस एंड द करंट डू नॉट फ्लो. तो उसी साइकिल के हाफ पार्ट में हमें पॉजिटिव मिल रहा है यहां पे, उसी के सेकेंड हाफ में हमें नेगेटिव हाफ साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रही है. तो इसका मतलब जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहां पे आएगा तो यहां पे हम कुछ नहीं ड्रॉ करेंगे, मींस देयर इज नो आउटपुट. अगेन द पॉजिटिव हाफ साइकिल अपीयर्स इन द सर्किट, सो आउटपुट इज अगेन ऑब्टेंड. सिमिलरली हमें यहां पे गैप में ये शो करना है कि फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल देयर इज नो आउटपुट ऑब्टेंड, मींस ये जो हाफ वेव रिएक्टिफायर है ये हमें उस टाइम काम आता है जो आपके घरों में दिवाली के टाइम लाइटिंग्स लगी होती है वो कभी ऑन हो जाती हैं कभी ऑफ हो जाती हैं. दैट सर्किट इज द हाफ वेव रेक्टिफायर. जो हमें पैटर्न्स शो होते हैं दैट सर्किट इज अकॉर्डिंग टू हाफ वेव रेक्टिफायर. वहां पे हाफ वेव रेक्टिफायर अटैच किया होता है कि कौन सी लाइट कब जलनी है कौन सी लाइट कब बंद होनी है, वो हमें एक पैटर्न शो करते हैं. तो वहां पे हमें हाफ वेव होता है. अब आगे आते हैं फुल वेव में. स्टूडेंट्स फुल वेव रेक्टिफायर का डायग्राम बिल्कुल ही सेम है, बस हमने क्या करना है वी हैव टू एड अनदर डायोड डी टू हियर, क्योंकि फर्स्ट जो हाफ वेव था वहां पे हमने डायोड डी वन यूज किया था. नाउ वी आर एडिंग अनदर डायोड डी टू हियर. नाउ अगेन द वर्किंग इज अकॉर्डिंग टू द टू साइकल्स, द पॉजिटिव साइकिल एंड द नेगेटिव साइकिल. मीन्स अगर हम ऑपरेशन में फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल लेंगे तो डायोड डी वन बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड डायोड डी टू बिकम्स रिवर्स बायस. तो आउटपुट इज ऑब्टेंड ड्यू टू डायोड डी वन. अब यहां पे आउटपुट हमें डायोड डी वन देगा. तो इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं कैसे करूंगा, इन द सेम ग्राफ आई हैव एडिड अ डायोड डी टू. नाउ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल डी वन बिकम्स फॉरवर्ड बायस एंड डी टू बिकम्स रिवर्स बायस. जो फॉरवर्ड बायस है वो हमें आउटपुट शो कर रहा है, तो यहां पे हमें आउटपुट नहीं मिल रही है ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, दिस साइकिल ओनली, यहां तक का साइकिल. सो ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में देखना हमने क्या हो रहा है. ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड डी वन बिकम्स रिवर्स बायस एंड डी टू बिकम्स फॉरवर्ड बायस. तो अब यहां पे डी टू की वजह से हमें आउटपुट मिलेगी. द आउटपुट अक्रॉस आर एल इज ऑब्टेंड ड्यू टू डायोड डी टू. So the output obtained due to diode D2 for negative cycle. तो अब यहां पर negative cycle का हम output show करेंगे. जो first half wave था वहां पर हमें सिर्फ D1 diode था तो वो half wave को rectify कर रहा था. अब यहां पर wave दोनों rectify हो रही है. यहां पर first को D1 ने rectify कर दिया, second negative को D2 ने कर दिया. Similarly next क्या आएगा, अब यहां पर जब positive आ जाएगा तो D1 rectify करेगा, फिर negative आ जाएगा तो D2 rectify करेगा. ठीक है, समझ रहे हो आप. तो first जो है positive, D1 positive को rectify कर रहा है, D2 negative को कर रहा है. अगर हम इन दोनों को plus कर देते हैं तो हमें output ऐसे मिलेगा. This is the final output means D1 plus D2. तो यहां पे जो फुल वेव रिएक्टिफायर है इट रिएक्टिफाइज द फुल वेव ऑफ इनपुट सिग्नल. सो द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव इज 50% ओनली एंड द एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव इज 100%. तो हमारे पास जो हाफ वेव रिएक्टिफायर है वो हाफ वेव को रिएक्टिफाई करता है और जो फुल वेव है इट रिएक्टिफाइज द फुल वेव, मींस वी गेट द आउटपुट फॉर द बोथ साइकिल्स. ठीक है, थैंक यू.